नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, शर्मा जी की उम्र 50 वर्ष हो चुकी है और 2-3 साल से उनके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और स्पेशली घुटने के जोड़ तो जैसे उनके जाम ही हो गए हैं। जब उन्होंने एक्सरे करवाया, जांच करवाई, तो उसमें देखा कि उनके घुटने की हड्डियों में गेप आ गया है, मींस उनके जॉइंट के स्पेस की नैरोइंग हो गई है, यहाँ स्पेस कम हो गया है, उसके कारण उनके जोड़ों में दर्द रहता है। दोस्तों, यह केवल शर्मा जी की समस्या नहीं है, उनकी उम्र के पुरुष और महिलाओं में यह समस्या बहुत आम हो गई है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ये जोड़ों का गेप कम क्यों हो जाता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, हमें क्या इन्वेस्टिगेशंस करवाना चाहिए और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी जोड़ या जॉइंट की एनाटॉमी या स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कोई भी जोड़ 2 या 3 हड्डियों का बना हुआ होता है और लिगामेंट और कार्टिलेज उनको जोड़ने का काम करते हैं। इन सब के मिले जुले फंक्शन के कारण एक जॉइंट मूवमेंट करता है या हिलता डुलता है। तो दोस्तों, जब कोई जॉइंट मूवमेंट करता है तो उसके आर्टिकुलर सरफेस या उनको जोड़ने वाले सरफेस आपस में घिसते हैं और आपस में रब होते हैं। इन जोड़ों के आर्टिकुलर सरफेस पे एक कार्टिलेज की लेयर होती है जो कुशन का काम करती है और इसको घिसने से प्रोटेक्ट करती है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ ये कार्टिलेज ख़राब होने लगता है, घिसने लगता है, इसलिए पेशेंट को वहाँ पे दर्द होने लगता है, घुटनों में और हिप जॉइंट में कट-कट की आवाज़ आ सकती है और स्पेशली इसका जो लोकेशन होता है, जो तकलीफ़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉमन देखी गई है, वो नी जॉइंट में देखी गई है और हिप जॉइंट में देखी गई है। तो दोस्तों, इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं कि जॉइंट स्पेस की नैरोइंग हो गई है या हड्डियों में गेप बढ़ गया है। जॉइंट स्पेस के कम होने का कारण केवल उम्र का बढ़ना ही नहीं है, और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसमें पेशेंट का जो कार्टिलेज होता है वो डिटेरिएट हो जाता है तो वो घिसने लगता है, उसके कारण आर्टिकुलर सरफेस घिसते हैं और वहाँ पेशेंट को सूजन आ जाती है और इस कंडीशन को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। नंबर 2 कारण ये होता है कि जब पेशेंट किसी एक पर्टिकुलर जॉइंट पे स्ट्रेस देता है या उसका ओवर यूज़ करता है तो उसके आर्टिकुलर सरफेस घिसने लगते हैं और पेशेंट को यह कंप्लेंट हो जाती है। र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में भी पेशेंट को ये कंप्लेंट आ सकती है। इसमें पेशेंट का इम्यूनिटी सिस्टम ही अपनी बॉडी पे अटैक करता है, उसके कारण बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, सूजन आती है और इस कंडीशन को हम र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। ओबेसिटी भी इसका एक बड़ा कारण है, क्योंकि मोटापे के कारण पेशेंट के पर्टिकुलर जॉइंट्स पे दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो वहाँ भी यह कंप्लेंट पेशेंट को हो जाती है। इनके अलावा और भी कारण हैं, जैसे कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं तो जॉइंट स्पेस कम हो जाता है। मस्कुलर वीकनेस के कारण भी ऐसा हो सकता है या कोई इंजरी हुई है। जेनेटिक भी एक बड़ा कारण है और इसमें देखा गया है कि फीमेल को ये तकलीफ ज़्यादा देखी गई है एज़ कम्पेयर टू मेल। अब हम यहाँ पे इसके सिम्टम्स की बात करेंगे। इसमें नंबर 1 पे ये है कि जब पेशेंट के जोड़ के आर्टिकुलर सरफेस रगड़ाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है। पेशेंट को उन पर्टिकुलर जॉइंट्स में स्टिफनेस या जकड़न की समस्या हो सकती है। और एक चीज़ और देखी गई है, जब आर्टिकुलर सरफेस बहुत ज़्यादा टाइम तक फ्रिक्शन होता है, रगड़ाते हैं, तो वहाँ पर सूजन भी पेशेंट को आ जाती है। इसमें पेशेंट के जो जोड़ प्रभावित होते हैं उसमें पेशेंट की मूवमेंट की रेंज कम हो जाती है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और जिस पर्टिकुलर जॉइंट्स में ये तकलीफ होती है वहाँ पेशेंट को क्रैकलिंग साउंड या कड़कड़ की आवाज़ भी सुनाई देती है। इसका एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन यह देखा गया है कि यदि समय रहते इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो धीरे धीरे पेशेंट का वह पर्टिकुलर जॉइंट इमोबाइल हो जाता है, मतलब वह काम करना बंद कर देता है। स्पेशली पेशेंट का जो टारगेट जॉइंट होता है इसमें नी जॉइंट होता है। अब हम यहाँ पे इसके इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो दोस्तों, इस तरह के जोड़ों के दर्द में कभी भी पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री या फिज़िकल एग्जामिनेशन किए बिना कोई भी जांच नहीं करवाना चाहिए, कोई भी ट्रीटमेंट शुरू नहीं करना चाहिए। मींस बिफोर इन्वेस्टिगेशंस पूरी हिस्ट्री जानना ज़रूरी है। इसमें हम लैब टेस्ट करवा सकते हैं जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट मींस CBC करवा सकते हैं। उसमें यदि बॉडी में इन्फेक्शन होगा तो लिम्फोसाइट काउंट बढ़ा हुआ आएगा। आर्थराइटिस के कारण पेशेंट का ESR बढ़ा हुआ आ सकता है
और पेशेंट को सूजन या इन्फ्लेमेशन होने के कारण उसका सी रिएक्टिव प्रोटीन मीन CRP भी बढ़ा हुआ आ सकता है। और यदि पेशेंट को यह दर्द रूमेटाइड आर्थराइटिस के कारण हो रहा है तो उसका रूमेटाइड फैक्टर भी बढ़ा हुआ आ सकता है। और यदि इन सब से हटके पेशेंट को गठिया के कारण ये दर्द हो रहा है तो उसका सीरम यूरिक एसिड मतलब उसके ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी हुई आएगी। इसके लिए जॉइंट फ्लूड एनालिसिस भी एक इन्वेस्टिगेशन है जिसमें जिस पर्टिकुलर जॉइंट में पेन होता है वहाँ निडल की सहायता से वहाँ के अंदर का फ्लूड निकाला जाता है और उस फ्लूड को सैंपल को टेस्ट के लिए भेजा जाता है और जाना जाता है कि कौन सी बीमारी के कारण ये कंप्लेंट हो रही है। इस तरह के केस में एक्सरे का बहुत बड़ा रोल हो सकता है दोस्तों। वैसे तो एक्सरे में कार्टिलेज नहीं दिखता है लेकिन जो कार्टिलेज का लॉस होता है उसके कारण जॉइंट स्पेस की नैरोइंग एक्सरे में हम देख सकते हैं और जोड़ों के घिसने के कारण जो जॉइंट स्पेस में गठानी बन जाती हैं या स्पर हो जाते हैं वो भी दिख जाते हैं और कोई दूसरा भी चेंजेस आया है डिफॉर्मेटिव चेंजेस आया है तो वो भी एक्सरे में देखा जा सकता है। इसमें यदि हम और डिटेल इन्वेस्टिगेशंस में जाएं तो हम MRI करवा सकते हैं। इसमें एक्सरे से भी ज़्यादा डिटेल पिक्चर दिख जाती है। इसमें पेशेंट का बोन कार्टिलेज मसल लिगामेंट सब कुछ दिख जाता है। इसमें सोनोग्राफी भी करवा सकते हैं मींस USG भी करवा सकते हैं। उसमें साइनोवल फ्लूइड कार्टिलेज मसल्स लिगामेंट दिख जाता है। अब हम यहाँ पे इसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करेंगे। इसमें नंबर वन पर मेडिसिन होती है अर्निका मोंटाना। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को नई या पुरानी इंजरी की हिस्ट्री मिलती है। इसमें पेशेंट का दर्द असहनीय होता है वो जॉइंट को टच नहीं करने देता है और दोस्तों ये ओवर एग्जर्शन के कारण भी ये पेन हो सकता है और पेशेंट सीधा नहीं चल पाता है उसको इतना ज़्यादा पेन होता है। इस कड़ी में दूसरी मेडिसिन है ब्रायनिया एल्बा। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट के जो जोड़ होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा सूजन होती है छूने पे वे गर्म लगते हैं पेशेंट को चलने फिरने से तकलीफ बढ़ जाती है लेकिन उसको रेस्ट से आराम मिलता है। इसमें एक एसोसिएटेड सिम्टम्स ये भी होता है कि पेशेंट को पूरे जो उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें उसको ड्राइनेस फील होती है। यदि इस तरह के सिम्टम्स मिल रहे हैं तो ब्रायनिया बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। अब हम बात करेंगे रस्ट्रॉक्स की। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब उसको बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है जोड़ों में जब वह बहुत ज़्यादा ओवर एग्जर्शन कर लेता है और पेशेंट को जैसे ही वो बिस्तर से या चेयर से उठता है तो उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है जोड़ों में लेकिन जब वो कंटिन्यूड मोशन करता है मींस वो लगातार बहुत देर तक चलता है तो उसको आराम महसूस होता है। इसमें पेशेंट को जोड़ों में बहुत जकड़न फील होती है और उसको लगता है कि उसके जोड़ फट जाएंगे टीयरिंग पेन होता है उसको। एपिस मेलिफिका सेलुलर टिश्यूज पे काम करती है मींस उसको साइनोवल फ्लूइड का इन्फेक्शन हो गया है उसको साइनोवाइटिस हो गया है तो पेशेंट को एपिस मेलिफिका दे सकते हैं। दोस्तों इसमें पेशेंट को एक्सट्रीम पेन होता है और स्वेलिंग भी उसको बहुत ज़्यादा मिलती है। इस कड़ी में लास्ट मेडिसिन है नेफेलियम। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट के जोड़ों के बीच में फ्लूइड कम हो जाता है या उसका ऑयल कम हो जाता है तब इस मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल है दोस्तों। बोरिक साहब ने अपनी किताब में क्लियर लिखा है कि पेशेंट को जब लैक्ड ऑयल मींस ऑयल की कमी हो गई है तो नेफेलियम बहुत अच्छा काम करेगी। दोस्तों जोड़ों के दर्द पे बनाया हुआ यह वीडियो यदि आपको इफ़ेक्टिव लगा है और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प मिली है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो माई चैनल। थैंक यू।